एनिमे तो क्या सोचा था क्या हो गया। ओए पढ़ रही है पढ़ रही है पढ़ रही है। सो हेलो एंड वेलकम गेमर्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं गेमिंग और टाकू यूट्यूब चैनल गाइस, जहां मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं पबजी वाली लाइट का एक से बढ़कर एक रस गेम प्ले। और हां गाइस, ये जो गेम प्ले है ये एस टायर का गेम प्ले है, मतलब हम लोग जो है एस से अभी कॉन्करर पुश कर रहे हैं गाइस, ये उसी का गेम प्ले है। और इसमें जो है मैं अपने स्क्वाड के साथ खेल रहा था, जहाँ पर देख सकते हो मेरे साथ किंग भी है। सो गाइस, हम लोग आज उतरने वाले हैं स्टेडियम में, और स्टेडियम में भाई जो तबाही आ जाती है ना, आप लोग देखना गाइस। तो गाइस गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है, मतलब हम लोग प्लेन में तो बैठे हैं नहीं, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपको मेरे गेम प्ले अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे भी दबा देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो गाइस प्लेन चल चुका है और हम लोग जो है स्टेडियम में उतरने वाले हैं। और स्टेडियम में जो है मुझे यार लूट ठीक ठाक मिल जाती है, और पूरे स्क्वाड के हिसाब से लूट मिल जाती है, पूरे स्क्वाड को यार मिल जाता है, इसलिए मैं स्टेडियम आना ज़्यादा पसंद करता हूँ बजाय दूसरे जगहों के। और मैं यहाँ लूट करके, जैसे यहाँ देखा मुझे एक शॉर्ट गन मिली, ये पिस्टल वाली शॉर्ट गन है, पता नहीं मैं इसका, हाँ सोनो इसका नाम है, भूल जाता है, जिससे मैं एक इस बंदे को नॉक कर देता हूँ। और फिर जैसे मैं अंदर जाता हूँ देखता हूँ कि मेरा टीममेट किसी और बंदे से झगड़ा कर रहा, तो मैं भाग जाता, लेकिन मेरा गन रिलोड ले रहा था, तब तक मेरे टीममेट ने उसे नॉक कर दिया और उसे नॉक करके फिनिश कर दिया। और तभी गाइस जो है उसका टीममेट वहां आ जाता है और वो अपना 300 IQ वाला दिमाग लगाता है और सीधा नेड मारता है गाइस। आप देख सकते हैं यहां नेड मारता है, मैं उसे डैमेज, उसे नॉक करने का ट्राई करता हूं, लेकिन वो बच निकलता है, वो भी बच निकलता है और यहां नेड फूटता है। और फिर जो है मैं फिर से उसे शॉटगन से नॉक कर देता हूं। उस बंदे के पास जो है मिनी 14 थी, पर वो जो है मिनी गाइस टैप टैप मारना पड़ता है, आपको पता है गाइस, अगर ये ऑटो गन रहता तो शायद ये बंदा डायरेक्ट भिड़ता हम लोग से, लेकिन वो अपना 300 IQ वाला दिमाग लगा रहा था। और गाइस हमारे पास भी कोई ढंग की गन थी नहीं, मेरे पास एक शॉर्ट गन थी और वो भी पिस्टल वाली। सो गाइस इसके बाद जो है मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर हमारे टीममेट को जो है एक बंदा नॉक कर देता है, और जिसे जो है हमारा टीममेट सुनील वो ख़त्म कर देता है उस बंदे को। यहाँ पर जो है मुझे बाहर एक बॉट मिलता है गाइस, तो मैं उसे मारने के लिए चला जाता हूँ। और देख सकते हो अभी तक कोई ढंग की गन तो मिली नहीं, पर मुझे इस बॉट से डीपी मिल जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी गन मानी जाती है, 47 गाइस बहुत ही अच्छा गन है गाइस। मैं इस बॉट को नॉक कर देता हूँ, इसे भी मैं फायर मिलाता रहा हूँ। ये नंबर M4 हमको चाहिए। गाइस जैसे ही मैं इस बॉट को मार करके इससे डीपी रिलोड कर रहा था, तभी यहाँ एक और बंदा आ जाता है, जिसे भी मैं मार दूंगा गाइस, और मैं टोटल 4 किल्स हो जाएंगे इस किल के साथ। तो वैसे देखा जाए तो इस बॉट के पास कोई खास लूट थी नहीं, M16 था, एक्सटेंड मैग मिल गया, पर मेरे पास AR वैसे है नहीं, लेकिन मैं मिनी 14 की जगह M16 लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा गाइस, क्योंकि गाइज आपको पता है कि इसमें ATX मिलता है, बहुत कम मिलता है, बहुत रेयर, तो इसलिए आप मुझे मिनी से ज़्यादा M16 लगती है, क्योंकि गाइज उसे ब्रस्ट मोड में चला सकते हो अगर शॉर्ट रेंज हो तो, और सिंगल टैप से तो अच्छा है। और यहाँ जब यहाँ ड्रॉप से मेरे टीममेट को जो है RPG मिलता है, देख सकते हो यहाँ पर लूट नहीं मिला, फिर भी मैं RPG उठाता हूँ। और गाइज ये RPG एक टाइम पे मेरी जान बचाता है और एक टाइम पे मेरे जान का दुश्मन भी बन जाता है, आप लोग देखना कैसे। बेस्ट बाबा मेरे लिए कुछ होगा तो बचा देना। तो मैं सेक के अंदर कोई लूट रहा था, कोई दूसरा AR मिल जाए ऑटो वाला, लेकिन मुझे नहीं मिलता है गाइस। और मैं इधर आगे जाता हूँ गाड़ी लेने के लिए, एक बॉट का क्रेट होता है, लेकिन उसके पास एक तो मैं 32 के अलावा और विक्टर, और एक तो मैं अच्छा विक्टर वैसे बहुत अच्छी गन है, पर नॉट माई टाइप कह सकते हो। और यहाँ जो है मुझे जो है बॉट मिलता है, बॉट
फायर करता हुआ एक बंदा दिखता है गाइस। ये बंदे बहुत निशाने हो गए अभी तक इसमें, हम जानते हैं तेरा कुछ नहीं हुआ आपको पता है। और यहाँ देखो मैं कितनी बार आरपीजी मार बैठता हूँ बंदे को खत्म करने के चक्कर में, और तेरा ही नुकसान हुआ ना जो मुझे रिवाइव कर देता है गाइस। अब गाइस वहां पर मैंने बताया था कि वहां मैं गाड़ी नहीं जाता, लेकिन वहां गाड़ी होती नहीं, वहां पर होती है बग्गी, और बग्गी से चार जन तो नहीं बैठ सकते इससे अच्छा। और इधर जो है तब तक मेरी टीममेट जो है किसी दूसरे स्क्वाड से, अपार्टमेंट वाले स्क्वाड से फाइट ले लेते हैं। तो यार मुझे बग्गी भी लेना छोड़ करके मैं इन्हें मारने चला आता हूँ गाइस, क्योंकि किल तो सभी को चाहिए। और जो है मैं एक को नॉक करता हूँ जिसे मेरा टीममेट किल दिला देता है, मेरे सामने ही करेगा, शर्म नहीं आता है। मेरे टीममेट्स खा जाते हैं मार के भाई, उसका भी किल मिल जाता मजा आ जाता, लेकिन यार टीममेट है बच्चा है, नॉकआउट हुआ था। तो यार यहाँ मैं ऊपर आता हूँ तो मुझे मिलते हैं यहाँ पर उनकी यूएस, वो जो स्क्वाड जिसे हमने अभी भी मारा उसकी यूएस मिलती है। और गाइस उसकी यूएस पे हम लोग सब बैठ जाते हैं, और हम लोग जाने वाले थे रस करने या फिर ड्रॉप पे बैठा है। और तभी गाइस जो हमें जो है एक दूसरी गाड़ी मिल जाती है जो हमें धक्का मार के चल जाती है, और हम बोलते हैं भाई हमें छेड़ा है, हम कैसे उसे जाने दे दे। आप लोग देखना गाइस दे रस करो दौड़ा दौड़ा, और इसका तो भाई हाल बुरा हो जाता है, हम क्या सकते हैं। और गाइस तभी जो है यहाँ पर गाड़ी है मेरा टीममेट फोड़ देता है, और जो है मेरा टीममेट जो है नॉक हो जाता है इस वजह से। और ये ओपन एरिया तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ स्मोक कर दूँ, और गाइस देख जैसे मैंने स्मोक आने लगते हैं, और मैंने सोचा नहीं था कि कोई फायदा उठाएगा पर फायर करने लगते हैं। और गाइस स्मोक अगर नहीं किया होता तो मेरा टीममेट यहाँ बचता नहीं गाइस, तो मेरे टीममेट को जो स्मोक पचा लेते हैं, और मैं सामने आ गया। स्मोक करने के बाद मैं गाड़ी जो स्कूल के गाड़ी में रश ठोक रहा है, क्योंकि गाइस जोन में भी जाना होता है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि गाड़ी स्कूल में क्यों ना घुसा दूं। अब गाइस गाड़ी फूटने की वजह से जो हमारा जो गाड़ी है थोड़ा डैमेज हो गया होता है, पर ठीक ठाक था चल सकता था, इसलिए मैं गाड़ी कवर में ले आता हूँ। और जो है तब तक मेरा जो टीममेट है उसे मार के खा जाता है उसके टीममेट को, और एक बंदा उनका बचा हुआ है अभी भी। और उधर पहाड़ी तरफ मैं नज़र रखता हूँ क्या कि कोई थर्ड पार्टी भी ना उठा ले गाइस। और जो है राइट साइड तरफ मेरा जो टीममेट है तीन नंबर विमल, वो देख रहा है कार 98। विमल बहुत ही अच्छा प्लेयर है, वो भी एस पे है, और वो मुझे वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, वो कवर बहुत बढ़िया लेता है कैसे, इसलिए मैं बेफिक्र था। और तब तक देखता हूँ मेरा टीममेट एक और बंदा नॉक कर देता हूँ उनका, और अपना बोल कर चल रश करते हैं। गाइस मैं गाड़ी का रश करने वाला था, लेकिन मेरा गाड़ी जो है डैमेज हो जाता है, और मुझे गाड़ी यहीं छोड़ना पड़ता है गाइस, नहीं तो जाते जाते पता चला हमारा लास्ट बन गया। और मुझे बंदों के सही बताऊं तो हाइट वाले बंदों के एक भी लोकेशन मुझे पता नहीं था, और उनका एक बंदा जो बचा हुआ था और वो मुझे फायर करता है। अरे भाई मेरे जानते हो मेरे दो दो टीममेट बाहर घूमते, लेकिन उन्हें मारना छोड़ के मेरे ऊपर ही वो बंदा फायर करता, पता नहीं क्यों, सही बता रहा हूँ। और फिर मैं बोलता हूँ छोड़ जाने दो, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा जोन में चलते। और गाइस वो बंदा जो अपने टीममेट को रिवाइव करने के चक्कर में वो जोन से तो यहाँ पर जो हम लोग जोन में आ जाते हैं गाइस। और ये जो शायद थर्ड जोन था, तो इतना स्पीड काटा नहीं हम, मैं बूस्ट किया हुआ था, फुल बूस्ट भले ही नहीं किया हुआ था क्योंकि मेरे पास था नहीं पेन किलर, जितना किया था उसी से काम चला लिया। और यहाँ ऊपर हम चढ़ने का सोचते हैं, कहीं की गाइस हाइट था और हमारे पास स्कोप भी था, तो हमने सोचा हाइट से मारेंगे तो किल अच्छे मिलेंगे गाइस। और गाइस अगर आप लोग भी जो है इससे कंप्यूटर पुश करना चाहते हो, बहुत लोगों को देखा वो लोग पुश नहीं कर पाते तो यहाँ
तो उससे खत्म करने की पूरी कोशिश करता लेकिन अगर मैं वही नहीं बचा पाता तो बहुत गालियां सुननी पड़ती। और हाँ, बात कर रहा था टीपुस करने की। तो गाइस कॉन्करर अगर आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले बात आपको पूरा स्क्वाड लेके खेलना पड़ेगा। और स्क्वाड जितने भी बंदे हैं कम से कम यार जो फेस टू फेस कॉम्बैट हो उसमें एक्सपर्ट होना जरूरी है कि अगर एक बंदा होगा वन ऑन वन सिचुएशन आ जाए तो वो बंदा उसे मार के खा सके, वैसा बंदा होना चाहिए कि नहीं ऐसा बंदा गाइस जरूरी है। और चारों को चारों प्लेयर वैसे होने चाहिए तब जाकर के आप इससे कॉन्करर पुश कर सकते हो। जो यहाँ पर जो हम लोग आखिरी के दो बंदे खोज रहे होते हैं और जो है पूरा बड़ा ही बोलेंगे दो बंदे के हिसाब से। तो और हमारे देख सकते हो चारों को चारों बंदे बचे हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे सिचुएशन से हमने जो स्मोक मार के या टीम अप कवर से टीममेट्स के कवर से बहुत जन को बचा ले वरना यहाँ हमारे। और हाँ गाइस हमेशा कोशिश करना चारों जो है लास्ट सर्कल तक जिंदा बचने का क्योंकि गाइस इसमें जो है चिकन डिनर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बजाय कि अकेले। आखिरी सर्कल में अगर आप लोग चार जन बचे होंगे और सामने पार्टी वाले पार्टी पे अगर एक दो या तीन बंदे बचे होंगे तो आप उसे आसानी से मार सकते हो और देख सकते हो हमारा चिकन डिनर हो जाता है। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंजॉय दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो मैं जाता हूँ एक और नया वीडियो बनाने तो बाय।